ज्ञान गंगा जैसा डिसिप्लिन किसी कॉलेज में नहीं है, प्लस हमारे अमन दत्तरवाल ऑल्सो अभी आ चुके हैं। हमारे यहाँ 1500 कंप्यूटर की एक MCA लैब है, जहाँ पर JEE मेंस, JEE एडवांस जैसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं, और हमारे पास नंबर वन फैकल्टी भी है, हेंस वी आर बेस्ट। सो हे एवरीवन, दिस इज योर बॉय लक्षित। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत, और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इस कॉलेज की एक न्यू वीडियो। सो बेसिकली गाइस, हम फिर से आज दो कॉलेजेस को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि ज्ञान गंगा और ग्लोबल है। तो हम फिर से उसी क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे जिस बेस पे हम आपको कंपैरिजन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। इट इज ओवरव्यू, ब्रांचेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट्स, जिसके अंदर कट ऑफ ब्रांचेस सॉरी प्लेसमेंट्स के अंदर फिर से डिस्कस करेंगे, हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के अंदर। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम फिर से हॉस्टल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू फॉर द न्यू वीडियोस। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैं आज आपको ग्लोबल जबलपुर के बारे में बताने वाला हूँ। इसे हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये बेसिकली 10 एकर्स में फैला है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2009 है, और ये भी AICTE से अप्रूव्ड है। इसकी फीस अप्रॉक्स 56,000 पर ईयर है, और इसकी एलिजिबिलिटी वही 10+2 एंड JEE मेंस। ओके, तो ओवरव्यू में अगर मैं ज्ञानगंगा की बात करूँ, तो ज्ञानगंगा का फुल फॉर्म या फिर बोला जाए तो क्या 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 नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। तो ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये पूरा नाम है इसका। इसकी बात करें, ओवरव्यू की बात करूँ मैं, तो एरिया इसका 10.2 एकर्स में फैला हुआ है। प्लस ईयर जो है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो बोला जाए 2003 है, जो कि एक पुराना बोल सकते हैं हम, बहुत पुराना कॉलेज है, इसमें से एक बोल सकता हूँ मैं जबलपुर के। अप्रूवल AICTE अप्रूव्ड है, RGBB की डिग्री मिलती है, ग्लोबल में भी RGBB की डिग्री मिलती है। प्लस फीस की बात करें तो 60,000 पर ईयर है अप्रॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 है, और साइंस स्ट्रीम से आपका होना कंपलसरी है, और आप JEE मेंस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ग्लोबल कॉलेज के ब्रांचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो ग्लोबल कॉलेज हमें ऑफर करता है CSE ब्रांच, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल और सम अदर कोर्सेज भी ऑफर करता है। जो MBA परस्यू करना चाहते हैं, MTech या पॉलीटेक्निक, ये सब चीज़ें ग्लोबल हमको इन सब की सुविधा प्रदान करते हैं। सॉरी कहता हूँ उसके लिए थोड़ा। ओके, ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ 10 ब्रांचेस हैं। ओके, CS ब्रांच आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन ब्रांच है, मैकेनिकल आप कर सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कुछ न्यू ब्रांचेज में से एक है CS इन डेटा साइंस, CS इन IoT एंड साइबर सिक्योरिटी, CS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और अब हम थोड़ा कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो कट ऑफ कुछ ऐसा है कि कट ऑफ जो ओपनिंग रैंक है ऑल टोटल लिस्ट को एनालाइज करके जो मिली थी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड 2019 की है, और ये जनरल कैटेगरी बस की है। दोनों कॉलेजेस की सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छे से। तो जो ओपनिंग रैंक थी ऑल ओवर जो जितनी भी ब्रांचेज है उनके जो एनालाइज करने पर मिली थी, कुछ 1,08,000 से ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्स, और 11 लैक्स तक गई थी क्लोजिंग रैंक उनकी अप्रॉक्स में। वहीं हम ग्लोबल की बात करें तो इसकी ओपनिंग रैंक थी 70,522 और क्लोजिंग रैंक थी 11,43,000 अप्रॉक्स। ओके, तो हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आ गए हैं, डेट इज प्लेसमेंट्स। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो इसकी टोटल 49 रिक्रूटीज हैं, जो कि हमें इनकी वेबसाइट में मिली। अगर हम इनके कुछ मेन नाम लें तो वो हैं टाटा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, लॉयड, ब्लूमबर्ग, HDFC बैंक, जस्ट डायल, जेनपैक, कैपजेमिनी, हीरो, जेंसर, और मेनली है CSIT या ECE ब्रांच के बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट लगती है। और हम यहाँ एवरेज पैकेज की बात करें तो वह 3.5 लाख पर है ना, एंड ऑल टोटल प्लेसमेंट्स की बात करें। यहाँ पर ऑल टोटल का मतलब है ऑन कैंपस, मतलब ऑफ कैंपस बोलना चाहिए, ऑफ कैंपस। तो यहाँ अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 18 लाख पर है एनएम से।
तो देखिए प्लेसमेंट्स में हम ज्ञानगंगा की तरफ बात करते हैं, तो 2020 का ये डेटा है, तो 2020 में इन्होंने 718 लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को प्लेस्ड किया था, मतलब लिया था, ठीक है। उसके बाद प्लेस हुए थे मतलब यहाँ के बच्चे, जिनमें से मेन रिक्रूटीज की बात करूँ जो आती है, जो है हमारी अमेजॉन सिस्को, 2020 का ये डेटा है, जारो एजुकेशन, प्रिज्म, परसिस्टेंट, IBM, इंफोसिस, उसके बाद कैपजेमिनी, अटोल, उसके बाद SCL, जियो, ये कुछ रिक्रूटीज मैंने बोला है, इसके बाद भी बहुत कुछ है, ठीक है। और ऑन कैंपस मतलब ऑफ कैंपस की बात करूँ, ऑल ओवर जो कैंपस होते हैं और ओपन कैंपस भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर ऑफर हो चुका है, मतलब इनके स्टूडेंट को ऑफर किया गया था करीब अमेजोन कंपनी से, जो कि था 90 लाख पर एनम, ये सिर्फ 2020 के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ऑफ कैंपस में बोलना चाहूँगा, सॉरी ऑन कैंपस में बोलना चाहूँगा, तो 3.5 लाख पर एनम इनका एवरेज पैकेज निकलता है। उसके बाद तो अभी तक हमने प्लेसमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि ग्लोबल का हॉस्टल कैसा है। We didn't have any hostel either. So guys, basically, ग्लोबल कॉलेज में कोई भी हॉस्टल नहीं है, जहां तक सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, बट इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ का जितने भी क्राउड है, मेजर क्राउड जितने हैं, वो यही आसपास के लोकलाइट्स का है। सो वो लोग यहाँ अपने घर में रहना एज अ डे स्कॉलर कॉलेज ज्वाइन करना प्रेफर करते हैं। अब हॉस्टल्स की मैं बात करूँ ज्ञानगंगा की, तो हॉस्टल्स यहाँ पर आपको सेपरेट हॉस्टल्स मिलते हैं, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और ऑल ओवर कुछ अप्रॉक्स 4 हॉस्टल्स हैं। उसके बाद रेंट की बात करूँ तो वेरी करता है 1500 से 2000 पर मंथ के बीच में, मतलब 1500 से 2000 पर मंथ आपका किराया हो सकता है आप जब रूम लेते हैं, उसके वेरी करते हैं कुछ केसेस में, और प्लस इसमें मैस चार्जेस इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये हॉस्टल्स के बारे में भी कंप्लीट कर दिए हमने, आज पूरी चीज़ें डिस्कस करी, ओवरव्यू, कट ऑफ के पहले हमने ब्रांचेस डिस्कस कर लिया था, प्लेसमेंट डिस्कस किया था, हॉस्टल्स भी डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, कभी भी कमेंट टर्न ऑफ नहीं रहते, और जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों ने उसमें बताएं कि कौन ने जीता, मतलब कौन सा कॉलेज आपको ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू दिस कॉलेज और दैट कॉलेज, ओके। उसके बाद अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हो और कोई भी दिक्कत है, क्वेरीज है कॉलेज एडमिशन से लेके, कमेंट का डब्बा हमेशा खुला है, उधर पर पूछ सकते हो। प्लस वीडियो का भी बताओ कि कैसी लगी वीडियो, प्लस एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसी बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो कवर कर चुके हैं, और सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आने वाला आ चुका है, या आज जब भी देख रहे हो तो आ चुका है कि नहीं आया, जो भी है उसके बारे में भी हो चुका है, तो देख लीजिए कौन से में कंपेरिजन कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर IIT इंदौर के बारे में भी बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देखे हैं तो लाइक तो कर ही दिए होंगे, डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हम मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, टिल देन क्लिक गुड बाय।